नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वाल फैन का, जो 16 स्लॉट का वाल फैन होता है उसका ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा कॉपर एंड एल्युमिनियम में दोनों के अंदर। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। ये जो मोटर है 16 स्लॉट की है, ठीक है, इसका मैं साइज आपको बता देता हूँ। इसका जो स्टेटर साइज है वह 1 इंच है, ठीक है। इनर डायर की, अंदर की डायर की हम बात करें तो 2 इंच से थोड़ा सा कम है, हल्का सा, ठीक है। सेंटीमीटर में लें तो 4.5 सेंटीमीटर है, ओके। आउटर डायर की बात करें तो पूरा का पूरा 3 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेटर साइज दोस्तों इसका 1 इंच है। आउटर जो डायर है इसका, तीन इंच है। इनर डायर है, ठीक है, वो 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पंखे के अंदर दोस्तों अब रनिंग स्टार्टिंग के डाटा की बात कर लेते हैं। इस पंखे के अंदर दोस्तों टोटल जो रनिंग की जो कॉइल बनेगी वह 4 बनेगी। रनिंग के अंदर इसमें जो पिच रहेगी 1 से 2 रहेगी, सॉरी 1 से 4 रहेगी, 2 स्लॉट बीच में छोड़कर 1 से 4 पिच रहेगी और राउंड रहेंगे 3, है ना, राउंड रहेंगे 3, ठीक है, सभी के अंदर। तो रनिंग का जो गेज रहेगा वह रहेगा 37 नंबर, इसमें 37 नंबर से टर्न होंगे 220 टर्न होंगे, ओके, और राउंड रहेगा 3, ठीक है। 1 से 4 में डलेगी कॉइल जो है, और ये 3 राउंड हो जाएंगे फिर एक कॉइल के, ठीक है। स्टार्टिंग का इसकी तरह सेम है, ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेम है। स्टार्टिंग का भी वही पिच रहेगा 1 से 4, उसका भी गेज सेम रहेगा 37 नंबर से 220 टर्न, राउंड रहेंगे 3 राउंड, सेम रहेगा स्टार्टिंग का भी, ठीक है। इसका टोटल कॉपर वेट जो रहेगा, टोटल कॉपर जो है इसका जो रहेगा 160 ग्राम के आसपास ये बैठेगा टोटल वेट इसका, ठीक है, 150 ग्राम भी हो सकता है। अब रहेगा इसका फर्मा, फर्मा जो रनिंग का रहेगा वह रहेगा 17.5 इंच का, ठीक है। स्टार्टिंग का जो फर्मा रहेगा वह रहेगा 17 इंच का, ठीक है। इस तरह से इसका फर्मा रहने वाला है। तो ये इसका डाटा रहता है कॉपर का, ये कॉपर डाटा है, ओके, ये कॉपर का डाटा है। एल्युमिनियम में इसको वाइंडिंग अगर करना चाह रहे हो तो आपको जो है ये चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे 37 नंबर जो गेज चल रहा है उसकी जगह एल्युमिनियम में आपको क्या करना होगा कि 36 नंबर आप गेज ले सकते हैं एल्युमिनियम में, ओके, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर। और यहाँ पे जो हमने 220 जो हमने टर्न करे हैं, ठीक है, उस टर्न को आप थोड़े से कम कर सकते हैं, 200 टर्न कर सकते हैं, 200 टर्न कर सकते हैं 36 नंबर गेज से एल्युमिनियम में, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम का हो गया। कनेक्शन जो रहेंगे वो सीरीज रहेंगे, एक से तीन कनेक्शन रहेंगे, ठीक है इसके। तो ये इसका वाइंडिंग डाटा है और ये कंपनी का डाटा है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं अगर आपके पास जो गेज है, आप गेज ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास 37 नहीं है तो 36 लगा सकते हैं, लेकिन 36 में पंखा जो है थोड़ा सा हीट होता है, और 35 नंबर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, 36 नंबर से ही यूज़ करें। और
ठीक है, ये डाटा सबसे परफेक्ट डाटा है और इस पर मोटर अच्छी चलती है।